गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस से जुड़े हुए तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब आज हम जानेंगे अपने खास एक्सपर्ट से। उससे पहले आज क्या खास है शो में बताएं आपको, हेल्थ कवर नहीं मिल पा रहा है आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद, हॉस्पिटल के बिल देने के बावजूद, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। बेहतरीन मनी बैक पॉलिसी के ऑप्शंस आज हम जानेंगे, साथ ही फैमिली फ्लोटर हेल्थ कवर क्यों होता है जरूरी, इसकी भी समीक्षा आज के इंश्योरेंस स्पेशल में हम करेंगे। और इन तमाम पॉइंट्स पर बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद है, दीपक यूहानन, सीईओ माई इंश्योरेंस क्लब। दीपक, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से मनी गुरु में, कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड, अच्छा। ऑलराइट, चलिए दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलकाता से एस चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेल्थ कवर के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई है एक्चुअली इनके केस में, हेल्थ कवर जो इन्होंने लिया था उसको लेकर, इन्हीं से जानते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ बने भी हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका एस चैटर्जी, बताइए हेल्थ कवर को लेकर आपने बताया था कि आपने HDFC अर्गो से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या परेशानी है? HDFC अर्गो से हम हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और उसके बाद में मैं उनके कहने के बावजूद पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों को भेज दिया था। आगे में मेरे, मैं जब अपना क्लेम के लिए पूछा तो बोल रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं पहुंचा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करता हूं और बाद में वो हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं करता है, डिनाई करता है कि हमको नहीं मिला है, तो हमको क्या करना चाहिए आगे? एस चैटर्जी, आप बताएंगे कि 2015 में आपने बताया कि आपकी बेटी को डेंगू हो गया था और उसके बाद आपने ये बिल दिया था, कब बिल दिया था अप्रोक्सीमेटली, इसकी जानकारी हमें देंगे? मैं दिया था नवंबर में, पूरा डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के लिए, लेकिन आगे में हम बहुत बार उनसे पूछ चुके हैं कि मेरा क्लेम का क्या हुआ, बोलते हैं नहीं आप आपका अपना प्रेस्क्रिप्शन हमको प्रोवाइड कीजिए। मैं पूरा जमींदारी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं पूरा प्रेस्क्रिप्शन और मेडिसिन बिल और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उनको भेज चुका था। जरिया क्या था आपका ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देने का? मेरे पास तो पूरा डॉक्यूमेंट का कॉपी है, लेकिन उन लोगों के पास से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है कि क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला। आपने खुद ही हैंडओवर किए थे तमाम डॉक्यूमेंट्स? मैं खुद हैंडओवर किया था कोरियर के थ्रू और ओरिजिनल पेपर्स। कोरियर के थ्रू आपने ओरिजिनल पेपर्स तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक बहुत ही पेक्यूलियर प्रॉब्लम है दीपक एस चैटर्जी की यहाँ पर, कि तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो बिल्स हैं उनके खर्च हुए उनकी बेटी के इलाज के लिए, उसके बावजूद वो क्लेम नहीं ले पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किन सिचुएशन में इस तरीके की परेशानी आती है, और क्या अब इन्हें अपने इस केस में करना चाहिए जब इन्होंने ऑलरेडी ओरिजिनल बिल्स वो दे चुके हैं, कुरियर कर चुके हैं, उसके बावजूद एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी नहीं मिली और कवर भी अब नहीं मिल पा रहा है? थोड़ा मतलब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्लेम को। तो अगर इनके पास कॉपीज हैं अपने सारे जो बिल्स इन्होंने भेजे हैं, प्रिस्क्रिप्शन भेजे हैं, तो इसको दोबारा ये भेज सकते हैं। और अगर जो कुरियर पहले किया था उसका अगर POD नंबर है और अगर उसका रिसीट है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने ओरिजिनल्स आपको भेजा था और वो डिलीवर हो गया था, अब आप फिर से बता रहे हो कि घूम गया है, आपको आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स या बिल्स हैं नहीं, तो आप डुप्लीकेट से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो डुप्लीकेट नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो पहले आप इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवियंस ऑफिसर को लिखिए। अगर 15-20 दिन में अगर उनको उनका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो ग्रीवियंस ऑफिसर का ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर को लिखिए कि ये प्रॉब्लम है और मेरे जो बिल्स दिए हुए थे वो भी एक्नॉलेज नहीं हो रहे हैं और ये डुप्लीकेट सेट है। वहां से भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तब आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मुझे नहीं लगता इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से कोई रिजेक्ट क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो अगर क्लेम में प्रॉब्लम है तब रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर बिल्स आपने भेजा है उनको मिला नहीं इसके कारण से वो नहीं करेंगे रिजेक्ट। तो एक तरीका यह है कि आप अगर स्कैन कर सकते हैं तो स्कैन करके ईमेल कर दीजिए, तब एक रिकॉर्ड भी रह जाएगा, ट्रेल रह जाएगा कि आपने भेजा है।
तब रिजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि कूरियर जिन्होंने भेजा हो, जैसे बताया उन्होंने कूरियर किया था, वहां पर कुछ परेशानी हो सकती है, तो चैटर्जी साहब आप उस कूरियर कंपनी से भी बात कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे वो पहुंच ही ना पाए। और साथ ही जैसे दीपक ने बताया कि अपनी शिकायत आप grievance@hdfcergo.com पर कर सकते हैं और लगातार अपने इस पूरी परेशानी को ट्रैक कीजिए, होपफुली आपको इसका अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। ऑलराइट, अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। पुणे से ओमकार साबले हमारे साथ है। ओमकार जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के हमारे शो में। आपने हमें ईमेल पर अपना सवाल भी भेजा था जिसमें आप मनी बैक पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अपने बारे में कुछ बताइए और अब तक आपने कौन कौन सी पॉलिसीज ले रखी हैं? जी मैम, मैंने अभी तक दो पॉलिसी ली है, जो कि 2014 में एक ली थी मनी बैक पॉलिसी और 2015 में मनी बैक पॉलिसी। ऐसी दो पॉलिसी है। पहली जो पॉलिसी है उसका एनुअल प्रीमियम है 17,000 और जो दूसरी पॉलिसी है उसका एनुअल प्रीमियम है 13,000। तो एक्चुअली मेरा जो अभी प्लान है वो प्लान ऐसा है कि मनी बैक पॉलिसी जो कि हर 5 साल के बाद कुछ अमाउंट देती है जो कि बोनस के तौर पर, तो अभी मेरा प्लान ऐसा है कि अभी 5 पॉलिसी लेकर 5 साल बाद हर ईयर का जो बोनस मुझे मिल सकता है। तो आपने कोई और ऑप्शन अपने लिए नहीं सोचा, क्योंकि 2 मनी बैक पॉलिसीज आपके पास ऑलरेडी है? क्या आपने खुद रिसर्च करके जानकर या फिर किसी से पूछकर आप सोच रहे हैं कि आपको 3 और मनी बैक पॉलिसीज लेनी चाहिए? नहीं, ये तो मतलब मेरा पहला प्लान था, जो कि मतलब इसलिए तो मैंने 2 पॉलिसी ली। अभी मैं तो दूसरा भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अदर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड एंड ऑल। ऑलराइट, तो वो भी ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन ये भी थोड़ा सा मैं तो डिस्कस करना चाहता था आपके पास कि ये मतलब बेनिफिशियल कैसे रहेगा, बेनिफिशियल रह सकता है कि नहीं, क्योंकि दीपक ऑलरेडी इनके पास 2 मनी बैक पॉलिसीज है। इनका इन्होंने कहा कि पहला प्लान इनका ये है कि वो कुछ और मनी बैक पॉलिसीज ले। आपको लगता है इनके लिए एडवाइजेबल है इनके सिचुएशन में कि ऑलरेडी 2 होने के बावजूद इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कुछ और मनी बैक पॉलिसीज शामिल करनी चाहिए, या इनके पास कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं, किसी और बेहतर तरीके से ये बेटर रिटर्न ले सकते हैं? तो ये पहला तो एक ये जो बता रहे हैं कि अगर 5 प्लान ले लें तो एक रेगुलर इनकम इनको मिल जाएगा 15 साल बाद, जो इनका हर एक प्लान का मनी बैक आना शुरू हो जाएगा, तो 5-10 साल के लिए इनको एक रेगुलर इनकम मिल जाएगा। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका है जो काफ़ी LIC एजेंट्स करते हैं कि आप अगर 50,000 देने को तैयार हो तो उसको आप स्प्लिट कर दीजिए इस तरह के में, ताकि आपको एक रेगुलर इनकम बन जाए। बस प्रॉब्लम इसमें यही है कि अगर आप सारा पैसा मनी बैक प्लान्स में ही डाल दें तो थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान मतलब कि मनी बैक प्लान्स में रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है। तो अपने आप सारा इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ एक तरीके के प्लान में आप डाल दोगे तो मेरे हिसाब से वो गलत है। तो इंश्योरेंस जो आपने 2 लिया है वही काफ़ी है, इसमें कवर कुछ खास नहीं होते हैं मनी बैक प्लान्स में। तो पहला तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो आपके एनुअल इनकम के एटलीस्ट 15 टाइम्स हो। टर्म इंश्योरेंस के बाद आप दूसरे प्लान्स की तरफ भी देखें, या तो यूलिप्स लें जो मार्केट रिटर्न है, या इन्होंने जैसे कहा कि म्यूचुअल फंड्स है। सारा पैसा सिर्फ मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स में ना डालें, यही मेरा सुझाव रहेगा। ऑलराइट, और एक जनरल सिनेरियो की बात करें, मनी बैक पॉलिसी हो या यूलिप हो या फिर एक टर्म प्लान हो, बेटर एक रिटर्न के लिहाज से या एक अगर प्लानिंग के हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन सा होता है? तो टर्म इंश्योरेंस में कोई रिटर्न्स है नहीं, प्योर रिस्क कवर है, इसीलिए आपको बहुत ही सस्ते प्रीमियम में बहुत बड़ा कवर मिल जाता है, तो ये तो आपको लेना ही चाहिए। अब बचा रिटर्न्स जो ट्रेडिशनल प्लान है और यूलिप्स में है। यूलिप्स में चांसेस ऑफ रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं, और अभी प्लान्स है जिसमें चार्जेस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, म्यूचुअल फंड से भी अच्छे हैं। तो वैसे प्लान्स लें ताकि आप 15 साल जब आप करते रहे, ऑलमोस्ट एक SIP की तरह काम करता है, तो उसमें चांसेस ऑफ रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रेडिशनल प्लान्स में आपको 4-6% के बीच में ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कंजर्वेटिव फंड्स में डाला तरह से इन्वेस्ट होता है और आपको रिटर्न्स बहुत ही कम मिलते हैं। ऑलराइट, तो पहले ज़माने में जब और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे नहीं तो अच्छा था, मगर अभी मेरा ये सुझाव नहीं रहेगा कि ये करें। तो ट्रेडिशनल प्लान के अलावा आप एक अच्छा टर्म प्लान ले सकते हैं, और जैसा आपने मनी बैक पॉलिसी 2 ऑलरेडी ले रखी है, यूलिप की तरफ या फिर टर्म प्लान की तरफ भी अगर आप झुकाव करते हैं तो आपने जो अपने के लिए एक गोल सेट करके रखा है वो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर आनंद सिंह जुड़े हैं, जो कि अपने बच्चे के प्लानिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं और ऑलरेडी इन्होंने शायद एक प्लान भी ले रखा है, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में।
बताइए, आपने एक प्लानिंग कर रखी है अपने बच्चे के लिए, अपने बारे में कुछ बताइए, आपके बच्चे की उम्र क्या है और किस तरीके से एक पोर्टफोलियो आपने प्लान किया है उनके लिए? मैम जनवरी में मैंने स्मार्ट किट लिया हुआ है, 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट है फॉर 20 ईयर्स के लिए। ऑलराइट, तो इसके मतलब रिटर्न्स में मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है कि क्या मतलब प्लान मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि SIP में जाना चाहिए मैम? इसके अलावा कोई और प्लान है आपके पास? अभी तो फिलहाल आपने 20 साल के लिए लिया है। मैं बता देता हूँ क्लियरली, सभी बता देता हूँ, मेरे पास टर्म प्लान मैंने लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरे पास है। ऑलराइट, टर्म प्लान भी ले रखा है आपने? यस मैम, यस मैम, टर्म प्लान भी, टर्म प्लान भी ले रखा है और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी है। टर्म प्लान भी ले रखा है दीपक, बच्चे के लिए भी एक प्लान उन्होंने लिया है 20 साल के लिए, जिसमें 5,000 पर मंथ का प्रीमियम ये पे करते हैं। अब तक 2 प्रीमियम पे कर चुके हैं और अपने बच्चे के लिए ICICI प्रूफ स्मार्ट किट प्लान इन्होंने लिया है। टर्म प्लान का आप हमेशा कहते हैं कि टर्म प्लान अगर एक सेफ सिक्योर एक प्लान बनाना है बच्चे के लिए, टर्म प्लान तो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन अगर अब इस लिहाज से जो पोर्टफोलियो उन्होंने अपना प्लान किया है, यू थिंक ही इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन? तो बहुत अच्छी बात है कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये प्लान स्टैंडर्ड एक यूलिप प्लान है, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। तो इसमें पहले साल में ये अगर ये हर महीने पैसे दे रहे हैं तो आई थिंक 8% का चार्जेस लगते हैं इसमें, और अगले साल में शायद 6 हो जाता है, और फिर 4 और फिर 3 और सिर्फ 5वें साल के बाद 2% चार्जेस बच जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि पहले सालों में काफ़ी मॉडरेट टू हाई चार्जेस हैं, तो अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनको लंबा पूरी अवधि तक करना चाहिए, तभी इनको बेनिफिट मिलेगा। 5 साल के बाद अगर प्लान को अच्छा रिटर्न मिल रहा है तब इनको फायदा होगा, क्योंकि पहले सालों में वो चार्जेस में काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस प्लान में बने रहे और 20 साल का प्लानिंग करें तो उसमें अच्छा बेनिफिट इनको मिल सकता है। ये अगर 2 साल में अगर इसको मेजर करने की कोशिश करें तो इनको ज़्यादा रिटर्न्स दिखेंगे नहीं और ये शायद नाराज़ हो जाएंगे प्लान के साथ। तो लगे रहिए और 20 साल तक इसको कंटिन्यू करने का प्लान इनको करना चाहिए। ऑलराइट, तो टर्म प्लान इन्होंने लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया है, उसके अलावा अब जो एक अच्छा इन्होंने प्लान लिया है उस पर आगे वो बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो आपने अपने लिए जरूर सेट करके रखा।